कल साईं के दर्शन तो हो गए, लेकिन दर्शन करते करते बहुत टाइम हो गया था, लगभग रात हो चुकी थी, तो इसलिए शिरडी का थोड़ा सा एक आसपास की तफरी नहीं कर पाए। तो एक तो अब मुंबई जाने का वक्त आ गया है, तो घर वालों के लिए और हमारी मेरे साईं की पूरी टीम के लिए प्रसाद लेने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये यहाँ पे साईं की बहुत सारी फोटोज हैं। हाँ, ये हैं और देखिए यहाँ पे कीचेन्स हैं और ये मूर्ति जो है वो समाधि मंदिर में हम जो देखते हैं ये मूर्ति है, यही मतलब जो पत्थर जिस पे साईं बैठते थे और यही उनकी जो मुद्रा है वो जो आप समाधि मंदिर में देखोगे यही ये मूर्ति है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पेंस हैं और अंगूठियाँ हैं और ये देखिए यहाँ पे कंगन भी हैं, कड़े हैं, बहुत कमाल की चॉइस है यहाँ पे। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे चॉइस करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, ज़रा ठीक ठाक सब दिखना पड़ेगा, तो ज़रा पहले देख लेता हूँ क्या क्या है। मेरी आदत है जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे एक तो बात करना हो गया या वहाँ की जो खासियत होगी उसे एक घर पे ले जाना या ख़रीदना, क्योंकि वो एक यादगार होता है, या तो उस एरिया या उस गांव का जो खाना होता है टिपिकल वो खाना, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। तभी क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये हम मतलब आते हैं और घर चले जाते हैं, और जो ये गांव से या उस शहर से जुड़ी हुई जो ख़ास चीज़ें हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। हम मतलब ऊपर ऊपर से देखते हैं लेकिन आसपास क्या है, लोग कैसे हैं। जैसे अभी मैं इनसे बात कर रहा था, इतनी तो इन्होंने जानकारी मुझे बढ़िया दे दी और इतनी वैरायटी है, तो ना सिर्फ इन्होंने अपने मतलब ये तो इनका बिज़नेस है तो ये तो मतलब बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या है, बट इसके अलावा इन्होंने ये जो मतलब साईं की जो पेंटिंग यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो इसके बारे में भी बताया कि ये जो पेंटिंग है वो साईं खुद जो वो चित्रकार थे उनके सामने बैठे थे और साईं ने मतलब प्रॉपर एक पोर्ट्रेट के जैसे, मतलब जो मॉडल बैठते हैं पोर्ट्रेट के लिए वैसे साईं खुद बैठे थे और वो चित्रकार ने, उस चित्रकार ने साईं की ये जो है तस्वीर निकाली। तो मतलब मैं यही सोच रहा था कि कितना भाग्यशाली होगा
वो बंदा कि जो खुद साई ने कहा कि भैया चल मैं बैठता हूँ, जो भी मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जितने भी लगे होंगे, लेकिन साई खुद कह रहे हैं किसी चित्रकार से कि मैं बैठता हूँ और तू मेरी तस्वीर निकाल ले। तो ये जो ऐसी सारी चीज़ें हैं वो इनके कारण मुझे पता चली हैं। तो जब हम जिस भी एरिया में, जिस शहर में, गाँव में जाते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, जो उस गाँव के होते हैं, उस शहर के होते हैं, उनसे काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो हमें पता नहीं होती। तो जैसे आज ही मुझे चीज़ पता चली है, तो ये सुन के भी बड़ा आनंद आया। अब ऐसा कहते हैं ना, अभी मैं आया हूँ शिरडी, अब करीबन 10-12 साल हो गए होंगे उसके बाद आया हूँ। पहले मन में तो था आना, लेकिन कुछ बन नहीं रहा था। और जैसा हमेशा कहते हैं कि जब साईं का बुलावा आता है आप आ जाते हैं, वरना आप बहुत सोचे, लाख बार सोचे कि मैं ये करूँगा, बहुत प्लान करते, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, अगर उनके मन में नहीं है तो आना नहीं होता, और अगर उनके मन में है तो पता नहीं आपने कुछ मतलब तय किया भी नहीं होगा, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है और आप यहाँ पहुँच जाते हो। जैसा कि मेरे साथ हुआ कि अचानक ये मतलब प्रोग्राम बना और मैं यहाँ आ गया। तो अगली बार कब आऊँगा, साईं बुलाएंगे तब। यादें तो बहुत सारी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो जैसा मैंने कहा कि करीबन 10 साल पहले आया था, तो तब का शिरडी और आज का शिरडी उसमें बहुत अंतर है, बहुत डेवलप हो गया है। तो कई सारी चीज़ें जो उस वक्त नहीं थी वो अब है। इवन मंदिर में काफ़ी मतलब चेंजेस मुझे दिखाई दिए। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, एक भीड़ तो पहले से ही थी, लेकिन और भी, क्योंकि बाबा के भक्त इतने दुनिया भर में फैले हुए हैं तो सब लोग आते हैं, तो इसके लिए शिरडी पहले से काफ़ी एक बड़ा बन गया है, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन जो हम जिसे आत्मा कहते हैं, जो सोल होता है शिरडी का, जो साई है, साई धाम है और साई का दर्शन, वो वैसा ही है और वैसा ही रहेगा।